आज हम देखेंगे कि किस तरह हम ग्राफ की हेल्प से भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको सिचुएशन दी गई है डिफरेंट, जिससे हमने क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आपके पास क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड्स। इट मूव्स फॉर 2 सेकेंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, देन इट रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली एंड कम्स टू रेस्ट इन 3 सेकेंड। आपको एक बॉडी दी गई है जो एक्सेलरेट कर रही है, जैसे आप बाइक की एक्सेलरेशन देते हो या गाड़ी की एक्सेलरेशन देते हो तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती रहेगी जब तक आप उसको एक्सेलरेट करते हो। तो ए तक आपने उसको एक्सेलरेट किया, उसकी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। ये सामने आप देख सकते हो 50 मीटर पर सेकेंड तक उसकी स्पीड बन गई। अब उसके बाद वो कहता है कि उसको आपने एक्सेलरेट नहीं करना है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है जब आपकी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, जीरो। तो आपने उसको एक्सेलरेट नहीं किया, इसलिए वो 50 के साथ ही सी तक पहुंच जाएगी। उसके बाद आप ब्रेक सप्लाई करोगे। रिटार्डेशन का मतलब होता है ब्रेक सप्लाई करना, नेगेटिव एक्सेलरेशन देना। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जब आप दोगे तो 50 से वो वापस कहां पहुंच जाएगी, जीरो पे। अब यहां इस पॉइंट पे आगे आपकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे इसको, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन जो हमने पढ़ी है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ। हम इस सारे एरिया का जो भी एरिया है ये आप कैलकुलेट करोगे, इससे आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि आपकी जो वेलोसिटी है वो 5 सेकंड के बाद कितनी हुई। तो इसको आप पहले कैलकुलेट करके दिखाओगे। यू क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो शुरू की वेलोसिटी आपने जीरो लेनी है, ठीक है। ये चीज याद रखना, रेस्ट मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी जीरो। और अगर आपको ऐसा सेंटेंस आया हो कि इट स्टॉप्स आफ्टर टाइम टी, स्टॉप्स का मतलब हुआ कि फाइनल वेलोसिटी आपकी उस टाइम पे जीरो होगी, लेकिन यहाँ पे आपको रेस्ट दिया है तो हमने इनिशियल वेलोसिटी जीरो लिया है। एक्सेलरेशन आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम आपको दिया गया है 5 सेकंड, शुरू के 5 सेकंड आपने इतनी एक्सेलरेशन उसको दी हुई है। हमारे पास फॉर्मूला है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको यूज करेंगे। यू आपका जीरो है, एक्सेलरेशन 10 है और आपको टाइम दिया गया है 5 सेकंड। तो हम देखते हैं कि आफ्टर 5 सेकंड हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 50 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम ए पे पहुंच गए, इसलिए मैंने ग्राफ यहां से 50 तक बनाया हुआ है, ठीक है। ये ग्राफ आप खुद बना रहे हो। उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड में हम क्या करेंगे, इस पूरे डायग्राम को आपने क्या करना है, अपने आप डॉटेड लाइन से पहले ड्रॉ कर लेना है। डॉटेड लाइन से आपने क्या बनाया, एक ट्राइंगल बन गई, आगे रेक्टेंगल है और उसके बाद फिर से ट्राइंगल है। क्योंकि डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, इसलिए इसमें नेगेटिव पॉजिटिव को हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं, आपने हमेशा इसमें ऐड ही करना है, नेगेटिव नहीं आएगा कुछ भी, माइनस नहीं होगा। तो आपने डिस्टेंस में पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, दैट इज ओ ए बी, फिर आपके पास रेक्टेंगल आएगी ए बी डी सी और उसके बाद लास्ट आपके पास ट्राइंगल आएगी सी डी ई। तो मैंने तीनों का एरिया अलग अलग से ऐड कर दिया। अब तीनों के एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है ओ बी और हाइट है ए बी। रेक्टेंगल सबको पता है, इट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर उसके बाद फिर से ट्राइंगल है हाफ वही बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका क्या है डी ई और हाइट क्या है सी डी, ठीक है। तो ये आप इसको ले सकते हो, वैल्यूज पुट करेंगे हाफ। अब इसको देखना है आपने जरूर कि आपका जो ए बी ओ बी है वो कितना है, वो आप देखो ये कितना है, यहां तक 5 है, ठीक है। तो आप इस ग्राफ से आराम से इसको देख सकते हो, 0 to 5 है तो 5 हो गया, ठीक है। इससे ऊपर की हाइट कितनी है, 50, ये आप इसके सामने चेक कर सकते हो। तो हाइट आपकी इसकी 50 है। फिर लेंथ बी डी, बी डी आपकी लेंथ है तो 5 से लेके 7 तक जा रहे हो, तो दैट मीन्स 2 हो गई, ठीक है। 7 - 5 करोगे तो ये कितना ट्रेवल किया आपने, 1 2, ऐसे गिन के भी कर सकते हैं 1 2, तो 2 है और ऊपर की तरफ को अगेन 50 है, तो 2 × 50 हो गया। यहाँ पे हाफ तो आपका फॉर्मूला है, और यहां से लेके 1 2 3 या 10 - 7 करोगे तो 3 आ जाएगा, और हाइट अगेन कितनी है 50। इसको मैंने सॉल्व किया और मेरा आंसर आ जाएगा 300 मीटर। तो ये 300 मीटर क्या है, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जब आप क्या करते हो, डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप उसका एरिया कैलकुलेट करते हो। तो इस तरह से ग्राफ से भी आप क्या कर सकते हो, एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आपके पास एक डायग्राम दिया गया है, 6 सेकंड में आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट
ये आपको डायग्राम गिवन है, ये चीज का ध्यान रखना, कई बार आपको डायग्राम दिए होते हैं तो ये आपके पास गिवन है। इसमें आपने 0 से लेके 6 सेकंड तक क्या निकालना है, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। तो बेटा डिस्टेंस जो होता है वो तो एक्चुअल पाथ है, वो तो आपका हमेशा ऐड ही होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। तो जब आप 0 से ऊपर हो तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेना है, जब आप 0 से नीचे आगे नेगेटिव डायरेक्शन में आगे तो आपने डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेना है, फिर ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव। तो दैट मीन्स ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तो ऐड होगा, लेकिन ये वाला एरिया आपका माइनस होगा। ठीक है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो आपने क्या किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC ले लिया, फिर माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि आप नीचे की तरफ जा रहे हो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस आपने लेना ट्राइंगल रेक्टेंगल CKLD, और फिर आप ऊपर चले गए तो रेक्टेंगल DEFG। तो इसका एरिया क्या होगा, ये आपका कितना है 0 से लेके 4, ठीक है, और ये कितना डिस्टेंस है 2, तो 4 × 2 लेंथ इंटू ब्रेथ। माइनस आपको समझ में आ गया क्यों लिया है, फिर 2 और यहां पे भी 2, तो 2 × 2, ये ऊपर को जाएंगे 2 और आगे को भी 2 है, तो 2 × 2। इस तरह से लेंथ इंटू ब्रेथ का सिंपल फॉर्मूला लगा के आपने क्या कर दिया, इसको कैलकुलेट किया तो ये 8 मीटर आ जाएगा। अब हम इसी का डिस्टेंस जब निकालेंगे तो डिस्टेंस में आपने नेगेटिव नहीं लेना है, मैंने आपको बताया ना कि इट इज एक्चुअल पाथ, आप कितना मूव कर रहे हो, तो ये आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब आपने यहां माइनस नहीं लेना है। यही डिफरेंस है इन दोनों में, डिस्प्लेसमेंट में आप डायरेक्शन की वजह से माइनस ले रहे हो, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, तो ये हमेशा प्लस ही रहेगा। तो बाकी आपका रिलेशन वैसे ही चलेगा, सिर्फ प्लस आने की वजह से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 मीटर। ठीक है, एक न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूं, ये आपने खुद कैलकुलेट करना है। 0 to 10 सेकंड है दिए हुए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहेंगे हम, VT ग्राफ है ये, आपने यहां से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, तो ये आपके लिए है, ये आपने मुझे सॉल्व करके भेजना है। इसके बाद एक और डिफरेंट काइंड का न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रहा हूं, इसमें आपको पोजीशन दी गई है x = a + bt2। ठीक है, और उसमें ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है। आपने सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, कहां से कहां तक, टाइम जब 0 सेकंड था और जब टाइम आपका 2 सेकंड हो जाएगा, और उसके बाद आपने निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, जब टाइम कितना है 2 सेकंड और टाइम कितना है 4 सेकंड। तो सबसे पहली बात आपने समझनी है कि पोजीशन एक्स आपकी पोजीशन है, ये आपको दी हुई है, इससे हम वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको मैंने सबसे पहले यही बात समझाई थी, व्हाट इज वेलोसिटी, इट इज अ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपने इसको dx/dt लिखना है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हम इसको लेते हैं, d/dt आपने बाहर कर देना, x की वैल्यू इसमें पुट कर दी, a + bt2, इसको डेरिवेटिव कहते हैं हम। डेरिवेटिव को सॉल्व करना आना चाहिए आप लोगों को। डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, a क्योंकि एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डेरिवेशन हमेशा जीरो होती है, क्योंकि एक नंबर है ये जो दिया हुआ आपको 8.5 मीटर। ठीक है, तो नंबर की डेरिवेशन हमेशा जीरो होती है। इसमें आपके पास नंबर तो है लेकिन साथ में एक वेरिएबल टाइम भी दिया हुआ है, जब वेरिएबल टाइम इसके साथ आ जाता है तो इसकी डिफरेंशिएशन की जा सकती है। नंबर को तो बाहर निकाल देते हैं हम, क्योंकि ये डेरिवेट इसकी डिफरेंशिएशन नहीं होती है, लेकिन वो जीरो नहीं करना आपने मल्टीप्लाई में, t² की आपने डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि t² है तो जो मल्टीप्लाई पावर में है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, t² है ना, तो 2 को हम क्या ले आए आगे, और टी के साथ इसकी पावर एक कम कर देंगे, स्क्वायर है तो कितना रह गया 1, तो t^1 को टी लिख सकते हैं। तो मैंने पावर को आगे लाया 2 और उसकी टी की पावर एक कम कर दी, 2 से रह जाएगी 1, तो ये आ जाएगा 2 × t। ठीक है, फिर आप क्या करो, बी की वैल्यू पुट कर लो, बी की वैल्यू हमारे पास 2.5 m/s², तो मैंने 2.5 डाल दी, ये आ जाएगा 5.0 t, तो मेरे पास वेलोसिटी आ गई 5 t। ठीक है, 5 t आ गई है, मतलब टाइम पे वो डिपेंड कर रही है, तो जितना टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग वो वेलोसिटी निकाल सकते हो आप। तो हमने पहला पार्ट हमारा ए पोर्शन क्या है, हमने वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी का पहला एक्सप्रेशन सॉल्व किया, उसके बाद टी की वैल्यू 0 पुट की तो वेलोसिटी कितनी आ गई 0 m/s, और जब टाइम को 2 पुट किया इसी इक्वेशन ये इस वैल्यू में आपने टाइम की वैल्यू पुट करनी है, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 5 × 2 10 m/s। ठीक है, अब दूसरा पोर्शन है इसका एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एक्स, वही आपने फॉर्मूला लेना है, x a + bt² जो पोजीशन है, जब टाइम 2 होगा, जब टाइम क्या होगा 2 सेकंड होगा, तो उसको हम x2 कह देंगे, x2 मतलब आपने टी की जगह 2 भर देना है, तो a + b × 2² तो ये बन जाएगा 4 b, तो हमारा जो डिस्प्लेस पोजीशन है वो क्या बन गई a + 4 b।
इसी तरह जब मैं टाइम 4 सेकेंड लूंगा तो एक्स फोर बन जाएगा, आपने टाइम की जगह 4 की वैल्यू पुट करनी है, ए प्लस 16 बी, मतलब जो आपका एक्स है वो 2 सेकेंड में होगा ए प्लस 4 बी और 4 सेकेंड में होगा ए प्लस 16 बी। अब हमने पढ़ा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 4 सेकेंड पे वो कहां था और 2 सेकेंड पे वो कहां था, तो ये 4 सेकेंड पे है और ये 2 सेकेंड पे है, इसको माइनस करोगे, माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 12 बी, ठीक है, और टाइम कितना आ गया 4 माइनस 2, 4 सेकेंड से माइनस 2 करोगे तो 2 सेकेंड आ गया। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट हमारी 12 बी और टाइम है हमारा 2 सेकेंड्स, तो इससे काटेंगे, काटने के बाद हमारे पास बी की वैल्यू है ऊपर दी हुई है शुरू में आपके पास 2.5, वो पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड।